प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनोग्रेशन किया है। इस दौरान 10 से 12 फरवरी यानी 3 दिनों तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगा। यूपी सरकार का दावा है कि ये देश की सबसे बड़ी समिट है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई हैं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना नामुमकिन है, यहाँ कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यहाँ आए दिन घोटाले होते थे, लेकिन 5-6 सालों के भीतर यूपी ने खुद को डंके की चोट पर बेहतर साबित किया है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बदलाव आया है। आज यूपी एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया।